तो हेलो व्यूअर्स, मैं प्रणव त्रिपाठी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द इन्फो सिंप्लीफायर पे। तो आज मैं यहां लखनऊ में एक जगह जाऊंगा जो हजरतगंज में बीचों बीच है, एक पार्क है सिकंदराबाद। तो ये अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए भी जाना जाता है, इतिहास के पन्नों में इसका बहुत महत्व है और 1857 की लड़ाई में भी इसका कुछ जिक्र आता है। तो अभी वहाँ मैं चल के देखेंगे वहाँ पर अंदर कैसा दिखता है और वहाँ पे इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये देखेंगे अभी चल के। सबको पता है कि ये पार्क सिकंदराबाग जो है ये नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था अपनी बेगम के लिए, और ये लखनऊ के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। हजरतगंज से थोड़ी दूर पे एक चौराहा है सिकंदराबाग चौराहा, जो पार्क है सिकंदराबाग उसी के नाम पे ये चौराहा भी है। तो आप किसी भी ऑटो से या बस से जो यहाँ पर आती है आप उसके ज़रिए इस पार्क तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए फिर मैं पास में ही हूँ और पहले पार्क को देख लेते हैं, फिर अंदर से देखते हैं उसकी क्या इतिहास में क्या इम्पोर्टेंस है, अंदर से कैसा दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पार्क है सिकंदराबाग ये पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन जो एनक्रोचमेंट हुए और जो आसपास का डेवलपमेंट हुआ है, पास में NBRI है, तो उसकी वजह से इस पार्क का एरिया जो है बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी जगह है वहाँ पर, एक आजकल लोग वहाँ पे मतलब टूरिस्ट वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ की जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इसलिए उसे एक संरक्षित स्मारक का दर्जा भी दिया गया है, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। और लेकिन फिर भी जो उसकी पहले जैसी जो एरिया था उससे काफ़ी कम हो चुका है अभी। तो ये है सिकंदराबाग चौराहा। हमारे लखनऊ का ट्रैफिक इतना ज़्यादा यहाँ सिकंदराबाग चौराहे के जस्ट बाहर, और मैं अभी सिकंदराबाग पार्क के मेन गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ये मेन गेट, यहाँ से एंट्री लेते हैं।
ये एक नोटिस बोर्ड जो बताता हुआ यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करते हैं, डूज एंड डोंट्स इनसाइड द पार्क। और ये बोर्ड बताता हुआ कि इस सिकंदरबाग पार्क की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा कि मैंने कहा था, इसका निर्माण अवध के अंतिम नवाब वादिद अली शाह ने 1857-56 ईस्वी में अपनी प्री बेगम सिकंदर महल के नाम पर किया था। इसका निर्माण और बाग लगाने पर 5 लाख रुपए खर्च हुए तथा लगभग 1 वर्ष का समय लगा था। इसके शिल्पियों में गुलाम अली रज़ा खान, दयानुद्दौला, साबित अली और काशी राम प्रमुख थे। मूलतः यह ऊंची दीवारों से युक्त 137 वर्ग मीटर की एक चहार दीवारी से घिरा था, जिसके अंदर ग्रीष्म भवन तथा बाग था। मूल निर्माण में से केवल कंगूरेदार चहार दीवारी के अवशेष, एक छोटी मस्जिद तथा प्रवेश द्वार ही दृष्टव्य हैं। प्रवेश द्वार में उत्कृष्ट स्थापत्य के दर्शन होते हैं, जो भूरी सतह पर सफ़ेद रंग की उभारी गई फूल पत्तियों से अलंकृत है। भवन की सबसे महत्वपूर्ण अंश प्रवेश द्वार के दोनों पार्श्वों में पगोड़ा शैली में निर्मित आयताकार गुंबद हैं। इनसे मिले हुए 2 वृत्ताकार गुंबद हैं तथा मछलियों के जोड़े राज्य चिन्ह के रूप में दृष्टव्य हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 16 नवंबर 1857 को सिकंदरबाग में अंग्रेज़ों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसमें कंपनी सरकार के सैकड़ों सैनिकों तथा 2000 स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस लड़ाई में एक अज्ञात महिला सेनानी भी थी, जिसने स्वयं गोली के शिकार होने से पूर्व कई अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो मैंने आपको ये यहाँ पर इस पार्क की जो इम्पोर्टेंस है, इस बोर्ड में जो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन था, वो मैंने आपको पूरा पढ़ के बता दिया है। 1857 की लड़ाई में भी इस पार्क का बहुत इम्पोर्टेंस था, और नवाब वादिद अली शाह ने क्योंकि इसे अपनी बेगम के लिए बनवाया था, तो इतिहास के पन्नों में इसका बहुत महत्व है इस जगह का अभी भी। और एक अज्ञात महिला जिसके बारे में बात की गई है, उसका भी एक स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है, तो वो भी एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो चलिए एक बार वो देख लेते हैं। तो जिस अज्ञात महिला के बारे में बात किया गया है उस डिस्क्रिप्शन बोर्ड में, उनका एक स्टैचू यहाँ पे लगाया गया था। और ये एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो ये कहता है कि उस महिला को एक अंग्रेज़ी अफसर ने गोली मारी थी, और उसके बाद उस अफसर को बहुत पछतावा भी हुआ था कि उसने एक महिला को गोली मारी। तो चलिए, अभी वैसे पार्क बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक थोड़ा राउंड लगा के आपको दिखा देता हूँ कि पार्क कितना बड़ा है, अंदर क्या क्या है। थोड़े बहुत अवशेष बचे हुए हैं, कुछ बिल्डिंग के अवशेष बचे हुए हैं, वो दिखा देता हूँ। और बाकी अभी आजकल ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे आप आकर के वैसे शाम को दिन में ऐसे फ्रेंड्स के साथ आकर के बैठ सकते हैं। यहाँ बेंचेस ही लगी हुई हैं और एक पार्क है, घास है, फूल है, ये सब लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, वो मैंने आपको पढ़ के बताई दी है। तो चलिए एक बार पार्क देख लेते हैं, पूरा राउंड लगा लेते हैं। तो यहाँ से मैंने एंट्री ली थी, और फिर ये डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ के आपको सुनाया, उसके बाद अब हम लोग पार्क देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है। काफ़ी पुरानी इमारत। तो जिस राज्य चिन्ह की बात की गई थी उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप यहाँ देख सकते हैं। सामने 2 मछलियों का जो है वो राज्य चिन्ह को दर्शाता है, यहाँ पर जो बनी हुई है बिल्डिंग में। यही एकमात्र यहाँ पे स्ट्रक्चर है इस पार्क में, बाकी तो पूरा पार्क बना हुआ है।
और ये बोर्ड बताता है कि ये एक संरक्षित स्मारक है, अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा जो सिकंदर बाग है, ये एक जो पार्क है लखनऊ के बीचों बीच हजरतगंज के पास, आपको एक पार्क मिल जाता है, पूरा भरा पूरा मार्केट है हजरतगंज। और यहाँ पे जो सारागंज का जो एरिया है, हजरतगंज से सारागंज का जो एरिया है, बहुत ही भरा पूरा मार्केट है, कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन सबसे पास में सिकंदर बाग का ये पार्क है, यहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं और पार्क है बहुत बड़ा, अपने आप में हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसकी इतिहास के पन्नों में भी काफ़ी दर्ज है। और जैसा कि मैंने आपको पढ़ के बताया, तो आप यहाँ देख भी सकते हो काफ़ी टूरिस्ट वगैरह यहाँ आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे जो ये ऐतिहासिक की जो इम्पोर्टेंस है इसकी, इसके अलावा जो सबसे ख़राब बात मुझे लगी वो ये कि लोग यहाँ दीवारों पे उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है जनता को कि इस जगह की कितनी इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है ऐसी चीज़ों का जिसको अभी तक हमने संजो के रखा है अपनी धरोहर की तरह। और ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी इसीलिए बना हुआ है, उसके बाद भी लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ लिख देते हैं दीवारों पे, या मैंने देखा कुछ लोग बाहर जो इसकी बाउंड्री है उस पर कुछ टॉयलेट वगैरह कर देते हैं। तो हमें ये सब करने से बचना चाहिए, जो पब्लिक कन्वीनियंस है उसका इस्तेमाल करिए, ना कि इस तरह की जो दीवारें हैं उस पर आप टॉयलेट करके चले जाते हैं, इस तरह से दीवार ख़राब ही होगी, जो हमारे जो इतिहास की चीज़ें हम उन्होंने बचा के रखा है वो सब ख़राब हो जाएगा। तो चलिए फिर, मैंने आपको ये पूरा यहाँ पर जो सिकंदर बाग था वो पूरा मैंने आपको दिखा दिया है, पूरा बाहर से लेकर के यहाँ तक घूमने का, मतलब अंदर क्या है और कौन सी बिल्डिंग है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक जो महिला का स्मारक बना हुआ था वो भी मैंने आपको दिखा दिया अंदर। तो यहाँ का जो भी था मैंने सारा आपको मेरे ख्याल से दिखा दिया है। और यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे उसका लोकेशन मैं एक पॉपअप की तरह इसके ऊपर डाल दूँगा, वीडियो में ऊपर आपको दिख जाएगा, दिख रहा होगा। और यहाँ अंदर आने का कोई भी टिकट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ आ करके अपना बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ का जो इतना शांत माहौल है, बढ़िया माहौल है यहाँ का, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पंछी हैं यहाँ पर ढेर सारे, तो यहाँ पर आप आकर के पूरा इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, एक अच्छा टाइम पास है आपके लिए। इवनिंग में आप थके हुए हैं, आसपास यहाँ बहुत से ऑफिसेज भी हैं, तो आप गंज वगैरह घूमते हैं, हजरतगंज घूमते हैं और यहाँ शाम को आप थक जाते हैं, तो आप यहाँ आके आराम से बैठ भी सकते हैं, थोड़ा इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा जो यहाँ सिकंदर बाग का जो टूर था ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लाइक का बटन दबा सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मतलब इस वीडियो के बारे में क्या चीज़ सही लगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे इस टूर के जरिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उससे आपकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ा आसान हो जाएगी, आपको जो ट्रैवल करने में थोड़ा सुविधा होगी, आपको पता रहेगा, इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल जा रही है। तो आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों, पूरे इस टूर के दौरान धैर्य रखने के लिए आप सबका धन्यवाद। एंड फ्रेंड्स, यू मे वांट टू सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल द वे आई क्रिएट वीडियोस एंड प्रोवाइड यू सो मेनी इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ ऑफ माय यूट्यूब चैनल द इन्फो सिंप्लीफायर एंड द एजुकेशन सिंप्लीफायर बाय यू मे आल्सो वांट टू शॉप मर्चेंडाइज सच एज टी शर्ट्स, मग्स, बैग्स, मोबाइल केस ऑन spreadshirt.com और teespring.com। Or you may buy books at Amazon, or if none of it suits you, you may support channel directly by using PayPal account or for international payments or for Indian payments, you may use Paytm. And I want to inform you that all of these links are given in the description box of each of my videos. So you may use those links, visit website, and you may want to do some shopping.